हेलो दोस्तों, सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है एमसी स्टैन की तरफ से। तो एमसी स्टैन ने कल अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज पोस्ट वगैरह डाली हुई थी। पहले आप ये देख लो, आप देख सकते हो उन्होंने एक स्टोरी डाली हुई थी जिस पे लिखा हुआ था डैश नो द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट द वैल्यू ऑफ नथिंग। इसी के साथ उन्होंने एक पोस्ट भी डाली हुई थी जिस पे लिखा हुआ था दे डोंट गिव अ डैश अंटिल यू मेक इट। साथ ही जो एमी वे हैं उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी और पोस्ट डाली हुई थी। आप देख सकते हो उन्होंने एक पोस्ट डाली हुई थी जिस पे लिखा हुआ था द डे दे रीच माय लेवल दे कैन एक्चुअली से दे मेड इट बाय द वे आई स्टिल डोंट गिव अ डैश। इसी के साथ उन्होंने स्टोरी भी डाली हुई थी जिसपे लिखा हुआ था आई डोंट वैल्यू प्राइसी डैशेस। तो सब पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही आज रात 10 बजे एमीवी अपने इंस्टाग्राम पे लाइव भी आने वाले हैं। साथ ही एमीवी की अभी जो एल्बम रिलीज हुई है उसको मुफाड ने शेयर करते हुए लिखा हुआ था स्ट्रेट फायर फ्रॉम द स्ट्रीट्स 100% एमीवी। साथ ही एमीवी की जो एल्बम है उसको एमसी इनसेन और कलमिंग ने भी शेयर किया हुआ था। और इसी की एक स्टोरी शेयर करते हुए मिंटा ने लिखा हुआ था इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बाकी आर्टिस्ट चाहकर भी नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ देयर लेवल। साथ ही कलमिंग ने एक स्टोरी डाली हुई थी जिसपे लिखा हुआ था कोल्ड किड्स शॉर्ट वर्ल्ड। ये कोलैब हमको जल्दी देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही अगली जो न्यूज है वो आ रही है सीधे मौत की तरफ से। तो सीधे मौत का कल एक कॉन्सर्ट था जिसमें कि उन्होंने उनकी अपकमिंग मिक्सटेप के बारे में बात की हुई थी जिसमें कि 30 गाने होने वाले हैं। साथ ही उसका उन्होंने नाम भी रिवील किया हुआ था और रिलीज डेट भी। 30 गाने भेज रहे तुम्हारे लिए 30 गाने। सिर्फ का नाम है लंच ब्रेक। इसको मैं अगले महीने भाई मेरा बर्थडे जुलाई 15 को मैंने बोला भाई 15 को निकलवाना प्लीज होने का ठीक है। तो लंच ब्रेक आ रही है भाई 30 गानों के साथ। भोजन करने आ रहे हैं रैपर सारे गायब क्योंकि लंच ब्रेक चल रहा है ठीक है। इसी के साथ उन्होंने उनके कुछ अनरिलीज ट्रैक भी वहां पर परफॉर्म किए हुए थे। अगली जो न्यूज है वो आ रही है किंग की तरफ से। तो किंग ने एक स्टोरी डाली जिसपे कि आप देख सकते हो उनकी जो द कार्निवाल एल्बम है वो 2020 में आई हुई थी। इसके बाद गोरिल्ला बाउंस 2021 में, सैम्पेन टॉक 2022 में और अभी उन्होंने दो और इमोजी लगाए हुए हैं और 2023 लिखा हुआ है। तो आपको क्या लगता है क्या नाम होने वाला है इस एल्बम का नीचे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही स्लो चीता और डेविल के भी नए सॉन्ग का पोस्टर रिलीज हो चुका है जो कि हमको 14 तारीख को देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही बंटा रिकॉर्ड से मीमैक्स के भी नए ट्रैक का अनाउंसमेंट हो चुका है जो कि हमको संडे को म्यूजिक वीडियो के साथ देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।